नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि UPSSC के थ्रू कुछ गवर्नमेंट UPSSC थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर कुछ डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी निकली है, तो उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम कौन करा रहा। तो ये डिपार्टमेंट नेम कौन करा रहा है। तो एग्ज़ाम करा रहा है कंबाइंड जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर फोरमैन जनरल रिक्रूटमेंट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम 2018 है। सिलेक्शन टाइप इसका क्या है? जनरल है, इसका मतलब देर इज़ नो स्पेशल वैकेंसी। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका एडवर्टाइजमेंट कब आया था, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट है 30/10 को आया था, हुआ था ये 30/10/2018 को। और इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करते हैं, तो इसमें ये गिवन है इसका रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट होगा। 30/10 से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है और 30/11/2018 इसकी लास्ट डेट है। फी डिपॉजिट की लास्ट डेट 30/11/2018 है। और इसका जो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 30/11 है। अगर मैं इसके कुछ और डिटेल की बात करता हूँ, तो डिटेल में हम अपनों कुछ और बताते हैं, जैसे कैसे अप्लाई की। तो यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शन गिवन है और ये एडवर्टाइजमेंट है। तो अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें हमें और डिटेल मिल जाएगा क्या क्या। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू फॉर द हिंदी PDF के लिए, तो यहाँ से हम हिंदी डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको हमने अगर डाउनलोड किया तो ये इसमें आ गया, ये पूरा डिटेल आ गया है। तो पूरे डिटेल की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, इसमें आप यहाँ से डाउनलोड कर डायरेक्टली देख सकते हैं। मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, किसमें क्या गिवन है। तो ये पहले पेज में दिया गया पे एग्ज़ाम का नेम गिवन है और किस डेट में है, किस डेट में नहीं हुई, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जो ऑनलाइन आवेदन के कुछ इंस्ट्रक्शन गिवे हैं तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये 1, 2, 3, 4 फीस कैसे करोगे, ये सबको क्लियरली आप लोग देख के कर सकते हो। इसके बाद अगले पेज में दिया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, इसमें बताया रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, यू हैव टू रीड ऑल द फोटो के बारे में बताया गया है, कैसे फ़ोटो को आपको अपलोड करना है, क्या साइज होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में है। उसके बाद एग्जैक्टली इसमें सब गिवन है 23 पेज का, आप इसको देख सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करता हूँ, आता है फीस का। तो जनरल OBC के लिए सेम है 250 रुपीज़ है और बाकी अदर कैटेगरी के लिए थोड़ा सा कम है, तो इसको आप देख के अप्लाई कर सकते हो। और ये बात अपने फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है, अपने फॉर्म का अपने पास रखना है। इसके बाद अगली बात करता हूँ मैं, कौन कौन से पद हैं इसमें, कौन कौन से पोस्ट है। तो पहली पोस्ट है इसमें अवर अभियंता की, ये है विद्युत के लिए। इसमें काफ़ी पोस्ट 43 पोस्ट है जनरल के लिए, अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए। संगणक कंप्यूटर साइंस की भी 4 पोस्ट है इसमें, जबकि बहुत कम ही आती है। सिविल के लिए इसमें 262 पोस्ट है, ये जो आपको जैसा दिख रहा होगा एग्जैक्टली। जूनियर इंजीनियर विद्युत विभाग में है, ये सिविल में है, इसमें ये रेस्पेक्टिव पोस्ट गिवन है। तो आप इसकी अच्छे से एक एक डिपार्टमेंट की स्टडी कर सकते हो देख कर। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को देखें और जो लोग एलिजिबल कैंडिडेट हो वो इसको भर सकते हैं, और डेफिनेटली आप इसकी तैयारी करें। आगे के हमारे वीडियो लेक्चर में इसकी तैयारी की स्ट्रेटजी हम आपको बताएँगे, शेयर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा लेक्चर देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।